से नवाजा और सबसे सच्चे कलाम से हमें महसूस किया। मैं उस पाकजात की उसके भरपूर फजल और अताए जमील पर हुक्म बयान करता हूँ और मैं दोनों का सलाम भेजता हूँ उसके सबसे सीधे रास्ते की तरफ बुलाने वाले रसूल पर, उनकी आल पर, उनके साथ पर, जो चाहिए मुअज्जज लोग हैं और उन पर जो उस तरीके से तक क़यामत की पैरवी करें। ऐ रोज़ादारों, क़याम करने वालों, इसी तरह अल्लाह के साथ उसी दर पर उभारने वाले मुहरकात में इस आलम की तख्लीक में अल्लाह की सुनने कौनियाँ, उनके अंदर मौजूद हिकमत, रहमत, भलाई और एहसान के मज़ाहिर और शर पर खैर के गलबा पर गौर फिक्र करना है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बेहतरीन शक्ल पर पैदा किया है और उन्हें हमदार की ज़मीन पर बसाया और ज़मीन और आसमान में मौजूद सारी चीज़ों को उनके लिए अपनी तरफ से मुसख़्ख़र किया, अपनी मखलूक़ात में से उनके लिए लगाया जिनसे उनकी ज़िंदगी दुरुस्त रहे और उनकी मईशत खुशगवार हो। जो वो उस ज़मीन पर इत्मीनान सुकून के साथ चलने लगे, उन्हें रोज़ियाँ मिलती है, खैर की बरकत उन तमाम के लिए आम रहती है और अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से खैर सलामती को ही आम मखलूक़ात के लिए गालिब हालत बनाया और फितना और बला को ऐसा आर्जी बनाया जो हमेशा नहीं रहती और ऐसा चक्कर लगाने वाला बनाया जो देर तक नहीं उगता। और अगर भला की गर्दिशें ना होती तो लोग ज़मीन को हमेशा की आमाजगाह समझ लेते और दूसरी ज़िंदगी में उनके लिए जो पाकीज़ा चीज़ें तैयार रखी गई हैं उनसे बेरग़बत हो जाते, जबकि वो ज़्यादा बेहतर और पायदार हैं। लिहाजा इस दुनिया में अल्लाह की हिकमत पर गौर कीजिए कि कैसे उसने उसकी नियमतों और लज़्ज़तों को एक खास मुद्दत तक की तामीर के लिए संभव बना दिया और उसकी नियमतों को मुकद्दर करने वाले आलाम की से उन नियमतों की तलब पर उभारने वाला बना दिया जिन्हें न तो कोई तकान छुएगी, न परेशानी, न हुज़ूर गम, के नफ्स फितरी तौर पर उस लज़्ज़त को चाहता है जिसमें अलम का शायबा न हो और ऐसी कामिल नियमत को चाहता है जिसे कोई परेशानी और महरूमी मुकद्दर न करे। बिना बल अहकमुल हाकिमीन और अरहमुर रहीमीन की हिकमत का तकाजा हुआ कि दुनिया में उन दोनों के बीच मिला दिया जाए, यानी नियमत जो हुज़्न अलम से मिली हुई हो और भलाई जो बुराई से मिली हुई हो, ताकि इंसान दुनिया में रहने वाला भी रहे और आखिरत पर मुतवज्जे भी हो। यूँ दुनिया में इस तरह न लग जाए कि वो आखिरत को भुला बैठे और वाज़े नुकसान से दो चार हो जाए और न दुनिया को मुकम्मल छोड़ दे और यूँ अपनी मईशत में कमज़ोर हो जाए और अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ते में कमज़ोर हो जाए, बल्कि इस कदर सुकून से जुड़े चाहिए कि जिससे वो दुनिया में जी सके और अल्लाह की चाहत और मुराद को नाफिज़ कर सके और उसे आखिरत की खेती बना सके और आखिरत की हमेशा रहने वाली नियमत तक पहुँचने वाला रास्ता बना सके। अल्लाह की क्या ही बेहतर हिकमत है और हकीम व हमीद की तरफ से क्या ही बड़ी तकदीर है, अपने उसके मुकम्मल दोस्त सही और जामे होने की गवाही देती है और अल्लाह ही खैर और हमेशा रहने वाला है। अल्लाह के बंदू, अल्लाह के साथ उसने जन एक ऐसा दरख्त है जो बहुत ही अच्छे अहवाल उगाता है और सबसे पुख्ता मार्फत से नवाजता है, यानी नेक फाल, उम्मीद, शरह सदर, इत्मीनान क़ल्ब,
दिली खुशी खुशहाली और अच्छी उम्मीदें। क्या ही अच्छा दरख्त है ये कि उसकी जड़ साबित है और उसकी शाख आसमान में है और अपने रब से हर आम निकल दे रहा है। ये बातें रहीं और ईमान वालों को चाहिए कि जब रमज़ान का ये मुअज़्ज़म अशरा उनके पास आ गया है, अपने साले से उसे खूब अच्छी तरह बात करें, अपने रब से उसे नज़र रखते हुए कि वो उन्हें अपने जिक्र शुक्र उसने वाले की तौफीक देगा। कामिल तरीन मेहनत कोशिश और तैयारी के साथ इन अशरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल की पैरवी करते हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में वैसी मेहनत करते थे जैसी और अशरों में नहीं करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अशरा दाखिल होता रातों को जगते थे, अपने अहले खाना को जगाते थे, खूब कोशिश करते थे और कमर कस लेते थे। अपने रब के साथ उसने जन रखिए कि वो आपके सबसे अच्छे अमाल को कबूल करेगा, आपके सियाज से दरगुजर फरमाएगा, बिलाशुबा बख्शने वाला और कबूल करने वाला है, बहुत सी लफ्जिशों को बख्शता है और कम अमल भी कबूल करता है। इन मुअज़्ज़ज़ातों में हुस्न ज़न के साथ तमाम उबूदियत में से ये बनाइए कि नेक ख्याल रखिए कि अल्लाह ताला इस वबा को आपसे ख़त्म करने वाला और उठाने वाला है, वो इस मुसीबत को छांटने वाला और दफ़ा करने वाला है। कि अल्लाह सुभान व तआला ही से हर खैर की उम्मीद है, उसी से हर परेशानी में आस लगाई जाती है, वही वो बहुत ही एहसान करने वाला और बहुत शफ़क़त रखने वाला है। वही ये क़य्यूम है, उसका चेहरा सबसे मुअज़्ज़ज़ चेहरा है, उसकी जान सबसे अज़ीम है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं, वो हर चीज़ से बड़ा और अज़ीम है, उसी से सारी क़ुव्वत और ताकत है, वही हमारे लिए काफ़ी है और वही हमारा कारसाज़ है। हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो हय्यू क़य्यूम है, जो अपने तमाम बंदों के लिए काफ़ी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और दरुद्दो सलाम और बरकत नाज़िल हुआ कि आलो असहाब पर और तमाम असहाब पर। अम्मा बाद, ऐ अल्लाह के बंदो, आज लोगों को जो सख्त वबाई बीमारी लाहिक है, ये हमदर्दी, मेहरबानी और एहसान का मुतकाजी है। मोमिन लोगों में भलाई और रहमत लेकर जाता है, वो उनकी हालत पर तकलीफ़ महसूस करता है और उन पर रहम करता है। जो बीमारी दूसरे को लाहिक हुई है वो उसे भी लाहिक हो सकती है, और मुसीबत ज़दा के साथ जो हुआ वो सेहतमंद के साथ भी हो सकता है। वो अपने रब से उनकी आफियत और दुनिया व आखिरत की निजात व फलाह की तमन्ना करता है, ये दुआ करते हुए कि जो उनको लाहिक हुआ है उसे दूर कर दे और उनमें से बीमार को शिफा बख्श दे और इससे और दूसरे लोगों से मुसीबत को दूर कर दे। अल्लाह के बंदो, इन हालात में मुसलमान लोगों के लिए नफा बख्श बनने की कोशिश करता है, वो लोगों तक भलाई पहुंचाने और किसी भी जायज़ तरीके से उन तक नफ़ा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, और ये नबी सल्लम के कौल के अमूम में दाखिल है, तुम में से जो अपने भाई को नफ़ा पहुंचा सकता है तो ज़रूर पहुंचाए। इस हदीस को मुस्लिम ने रवायत किया है। लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नफा बख्श है। लोगों के लिए की जाने वाली हर भलाई सदका है। परेशानी दूर करना, मुआशरती यकजहती और लोगों को खुशी पहुँचाना अफजल इबादत और बड़े तकर्रुब के कामों में से है। हमें चाहिए कि हम भलाई के कामों की ख्वाहिश रखते हुए एक दूसरे का तआवुन करें और ये उम्मीद रखें कि अजर और नेक अमाल में हमारा हिस्सा होगा। ऐ अल्लाह के बंदो, इसी तरह मुसलमान माशरे के लोगों के माबैन अफवाहों को फैलाने और झूठी खबरों को आम करने से परहेज करता है, वो लोगों में नेकी फैलाने और रजाइयत के जज्बे को आम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से नफ्स को इत्मीनान, कल्ब को राहत, सुकून और बशाशत हासिल होती है। ऐसे हालात जबकि परेशानी और इंतशार की फिजा छाई हुई है, वो नेकी की तबलीग का बैनर बुलंद करने, आसानी का इंतजार करने, दूसरों की दहशत कम करने, उनके गमों को हल्का करने, उनके दिलों को तसल्ली देने का हरीस होता है। नफसियाती मदद, बुलंद हिम्मती और हौसला अफजाई बदनी बीमारियों और जिस्मानी मर्जों के इलाज में मदद के लिए बहुत अहम है, इसलिए हमारा नारा होना चाहिए कि लोगों को खुशखबरी सुनाओ और मुतनफ़िर न करो, आसानी करो और सख्ती न करो। ऐ अल्लाह के बंदो, मुस्तकबिल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम वाकिफ ही नहीं हैं, तो हमें कौन कह रहा है कि हम खौफ, घबराहट, डर और मायूसी की कैफियत में ज़िंदगी गुजारें और उससे डरें कि हमारे मुस्तकबिल में क्या होगा, अपने दिल को परेशान करें, हम पर गम और परेशानी का गलबा हो जाए इस चीज़ से डरते हुए कि पता नहीं कल हमारा क्या इंतज़ार कर रहा है और वाकयात, खतरात और हादसात में से क्या वाक़ होगा। जबकि मोमिन का हाल साबित कदमी,
हिम्मत यकीन वाला होता है। खा कुछ भी हो, मोमिन सुकून इस्तेकरार और इत्मीनान में जीता है। वो जानता है कि अल्लाह की मशीयत ही नाफिज होने वाली है और उसकी कुदरत कामिल है, और जो उसने उसके मुकद्दर में लिखा है वो होगा। उसको जो भलाई पहुंचनी है वो पहुंची ही थी, और जो नहीं पहुंचनी है वो नहीं पहुंची नहीं थी। और ये कि अल्लाह के अलावा उसकी कोई पनाह नहीं है, इसके लिए सिर्फ यही है कि वो सब्र करे और शरीय असबाब इख्तियार करते हुए हय्यु क्यूम पर भरोसा करे। दूसरी तरफ अल्लाह की लिखी हुई तकदीर पर नाराज होने, एतराज करने और जजा फजा करने से पूरी तरह बचे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि मेरे लिए अंगारे को मजबूती से पकड़ कर थामे रहना, यहाँ तक कि वो मेरे हाथों में ठंडा हो जाए, ज्यादा पसंदीदा है कि मैं अल्लाह ने जो फैसला फरमा दिया है उसके बारे में कुछ कहूँ। इस तरह के काश ये न हुआ होता। इंसान को अगर कोई मुसीबत लाहिक हो तो वो अपने नफ्स को ये कहते हुए तसल्ली दे कि तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह ताला कोई नई बात पैदा कर दे। वो ये जहन में रखे कि मुमकिन है कि इस मुसीबत के पीछे कोई खैर हो जो उसे छिपा हुआ है। उसे चाहिए कि वो दोहराए, मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरी जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो। उसे चाहिए कि घर में रहते हुए वो इस वक्त ऐसे मुफीद प्रोग्रामों से फायदा उठाने का हरीस हो जो उसके वक्त को मशगूल रखे, उसके इल्म में इजाफा करे, सकाफत को बढ़ाए, तजर्बा अता करे और मुहलिक फुर्सत को खत्म करे, और उसकी सोच को ऐसी जगह घूमने से जो मुफीद नहीं है रोके, जैसे ये ख्याल लाना कि ये अगर ऐसा ना होकर ऐसा होता तो कैसा होता। अल्लाह के बंदो, जिसने अपनी कुदरत से बीमारी नाजिल की और अपनी मशीयत से वबा को फैलने की इजाजत दी, वही वो जात है जो अपनी रहमत से मुसीबत को दूर करता है और नुकसान को हटाता है। लिहाजा मजबूत किले और हिफाजती ढाल की तरफ तेज जाइए, यानी अल्लाह का जिक्र, दुआ, इस्तग़फ़ार, सिर्फ उसी पर भरोसा, एतमाद, उसी से गिरगिराने, उसी से इल्तिजा करने, आजजी, उसी के सामने इनके सारी जिल्लत और कमजोरी का इजहार कीजिए। अपने रब से अच्छा गुमान रखिए, उसी से अपनी तमन्नाओं, आरजुओं और दिलों को मुंसलिक रखिए, अपने मामलात उसी के सपुर्द कीजिए। आपकी किस्मत में उसने जो लिखा है उससे राजी रहिए, उसी से रुजू कीजिए, उसी से तहफ्फुज़ और हिफाजत तलब कीजिए, मासूर अज़कार और दुआओं की पाबंदी कीजिए, इसलिए कि वबा के सिलसिले में इस्तग़फ़ार, दुआ, सब्र और खालिक़े अर्ज़ो समा की जनाब में सच्ची तौबा से नफा बख्श कोई चीज नहीं है। मुसलमानों, आज जो हम इब्तिला और आजमाइश देख रहे हैं और जिनमें जी रहे हैं, ये कोई पहली मुसीबत या आजमाइश नहीं है जिससे इंसान गुजर रहे हो, बल्कि इससे पहले भी बहुत से सख्त आजमाइशें गुजर चुकी हैं तारीख में, जिनके रिकॉर्ड मौजूद हैं, और ये बहरान भी अल्लाह पाक के हुक्म से खत्म हो जाएगा जैसा कि पहले के बहरान खत्म हुए। लेकिन जब ये खत्म होगा और छटेगा तो हम किस हाल पर होंगे। बेशक वाज़ो नसीहत की कीमती कलिमात और खुली खैरखाही की वसीयतें जो गुजरे हुए उलमा ने अपने जमाने के लोगों को की, उनकी खुशबू आज भी फूट रही है और उनकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है, गोया कि वो हमारे ही एहसासात को मुखातब कर रहे हैं और हमारे ही जज्बात को महमेज लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि ऐ अल्लाह के बंदो, तौबा करो, तौबा करो, कबल इसके कि हमारी मौत की बारी आ जाए, अल्लाह पाक की बारगाह में लौट आओ, कबल इसके कि दुआ की कबूलियत का दरवाजा बंद कर दिया जाए। बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ, इफाका का वक्त करीब है। बिला शुभा दुनिया ताजिरों के लिए बाजार है, जज्र तौबीख करने वालों के लिए वाज की मजलिस है, गर्मी की रात है जिसकी सुबह करीब है, कुव्वत व ताकत गर्मी की फुहार है, मौका किसी भूत की ज्यारत की तरह है, सेहत मेहमान की नींद की तरह है, धोखा खोटा सिक्का की तरह है, जल्दी कीजिए इसलिए कि वक्त तलवार है। डरिए इस बात से अल्लाह के बंदो कि आप इस बला के जमाने को बहुत दराज समझ लें और कसरत दुआ से उब जाएं, बेशक आप बला के जरिए आजमाए जा रहे हैं, सब्र और दुआ से इबादत करने वाले बनिए, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, हर चंद की बला कितनी ही लंबी हो जाए, इसलिए कि बला न होती तो हम कयामत के दिन मुफलिस बनकर पहुंचते। अगर आपके गैब के पर्दे खोल दिए जाएं तो आप आजमाइश को पसंद करेंगे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कयामत के दिन जिस वक्त बला व मुसीबत ज़दा को सबाब दिया जा रहा होगा तो उस वक्त अहले आफियत ख्वाहिश करेंगे कि काश उनके चमड़े दुनिया में कैंचियों से कतर कतर दिए जाते। इसको तिर्मिजी ने रिवायत किया है। आजमाइश की अच्छी तरह ज़ियाफ़त कीजिए, इसलिए कि यह मुसाफिर है।
और अल्लाह ताला मेहरबानी करने वाला रब है। لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش الكريم اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ محمد اور آل محمد پر ایسی ہی رحمت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل اولاد پر رحمت نازل کی بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے اے اللہ محمد اور آل محمد پر ایسی ہی برکت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل اولاد پر برکت نازل کی بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے أحسن عبادة بالعمل الصالح محسنين الظن بربهم تبارك وتعالى
هي وأيها الله ليلة العمر وجوهرة